हेलो एवरीवन, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिसका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ बनाना चाहते हो, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे और पर जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ-साथ मिलती रहे। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सी, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए वैल्यू अवधारणा किसके द्वारा व्यक्त की गई थी। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा और सभी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दिया गया था डीन और फ्रेड के द्वारा। अब ये होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये जो पौधे की दो होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, तो उनकी उपलब्धता को ये दर्शाता है। क्या करता है, उनके मध्य का संबंध को अगर आपको जानना है तो आप क्या करोगे, ए वैल्यू कॉन्सेप्ट का प्रयोग करोगे। और ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डीन और फ्रेड के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपसे एग्जाम में ही पूछा गया था, जो रिसेंटली आपकी एग्जाम हुई थी जेड, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्फर का ऑर्गेनिक रूप कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कि ऑर्गेनिक रूप कौन सा है, और वो भी आपसे पूछा गया सल्फर का, कि प्यूरिन होता है, सिस्टीन होता है, आरएनए होता है, फिर फाइटिन होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है सल्फर के, ठीक है, सल्फर के बहुत सारे वैसे फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया ऑर्गेनिक, तो कौन सा होता है, ये होता है सिस्टीन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप याद रख सकते हो कि सिस्टीन हुआ, सिस्टाइन भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा सिस्टीन और सिस्टाइन दोनों में क्या है, सल्फर के ही फॉर्म होते हैं, सल्फर के ही रूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सही से समझा करो, जिसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि मृदा में अमोनियम उर्वरकों से नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड के निर्माण को क्या कहते हैं। दोबारा से समझिए क्वेश्चन को, कि इसमें आपको दे रखा है कि जो अमोनियम उर्वरक होते हैं, मतलब NH4 होता है, तो इसे सबसे पहले क्या करना है, याद रखिए नाइट्रस में बदलना है, मतलब NO2- में बदलना है। फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा NO2 का NO3 में कन्वर्ट करना है, मतलब इसमें दो आपको क्रिया करनी है। इन दोनों के बारे में आपने देखा होगा, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, या फिर इसे क्या सा ये जो प्रोसेस होती है, मतलब NH4 को NO2 में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है याद रखिएगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होता है। और अगर हम बात करते हैं ये, तो ये होता है यार नाइट्रोबैक्टर होता है। ठीक है, याद रखिएगा अमोनिया को नाइट्राइट में जो बदलता है वो कौन सा होता है, वो होता है याद रखिएगा नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। और अगर आपसे पूछता है कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो बदला जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ये जो दोनों ही प्रोसेस होती है, मतलब जो नाइट्रोमोनास करता है और नाइट्रोबैक्टर करता है, तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है वी नाइट्रीकरण। क्या बोला जाता है, वी नाइट्रीकरण बोला जाता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। याद रखिए ये तीनों ही क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपका, कि NH4 को NO2 में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो कौन सा था, नाइट्रोसोमोनास था। और अगर आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछा था कि NO2 को NO3 में किसके द्वारा बदला जाता है, चेंज किया जाता है, तो वो किया जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। और इस संपूर्ण प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है याद रखिएगा वी नाइट्रीकरण के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसके बीच संकरण से कारक, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है किसके बीच संकरण के कारण ब्रेसिका जुन्सिया को प्राप्त किया गया था, मतलब उसका जो डेवलपमेंट किया गया था ये किन किन के क्रॉस से किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस आपको याद रखना होगा कि जो ब्रेसिका जुन्सिया मस्टर्ड को जो डेवलपमेंट किया गया था, ये किया गया था याद रखिए ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के दोनों के क्रॉस से किया गया था। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था ब्रेसिका जुन्सिया, तो इसे प्राप्त किया गया था ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ठीक है, दोनों को आप एक दो बार जैसे ही पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन ईजिली आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि डोलोमाइट, सबसे पहले तो याद रखिएगा जो डोलोमाइट है ये किसका आइस्क होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि डोलोमाइट ये किसका आइस्क होता है, तो ये होता है याद रखिएगा मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में
कि जो डोलोमाइट होता है ये किसका आइसक होता है, तो ये होता है याद रखिएगा मैग्नीशियम का होता है। अगर आपसे पूछा था इसका रासायनिक सूत्र मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है याद रखिए MgCO3CaCO3 होता है। क्या होता है याद रखिएगा MgCO3CaCO3 होता है, और ये किसका मुख्य आइसक होता है, ये होता है मैग्नीशियम का होता है, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जड़ों की जाइलम वाहिनियों से लवण ऊपर की ओर किस विधि के द्वारा पहुंचता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मान लीजिए कोई सा प्लांट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जमीन से क्या कर रहा है, लवण को एकत्रित कर रहा है या फिर लवण को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन वो ऊपर साइड जाएंगे, लेकिन ये क्यों, इसका रीज़न क्या है। ऊपर की साइड तो जा रहे हैं, मान लीजिए जो लवण हम जड़ से एकत्रित करते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है वो जड़ से ले रहा है लवण, लेकिन ये जो लवण है ये जड़ से ऊपर भी तो जाने चाहिए ना, तभी तो उसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, लेकिन ये क्यों जाते हैं ऊपर, किसके कारण, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसका रीज़न होता है याद रखिए वाष्प उत्सर्जन प्रवाह। कौन सा रीज़न होता है, वाष्प उत्सर्जन प्रवाह के कारण ये जो प्रोसेस होती है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 46% होता है। कितना होता है, 46% होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस रूप में होता है, रूप मतलब फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया फॉर्म, तो किस फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, ये होता है याद रखिएगा एमाइड फॉर्म में होता है। किस में होता है, एमाइड फॉर्म में होता है। अब ये एमाइड होता क्या है, तो याद रखिएगा ये होता है NH2 बॉन्ड, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो NH2 बॉन्ड होता है इसे ही किस नाम से जाना जाता है, इसे ही बोला जाता है एमाइड, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके साथ साथ आप एक फॉर्मूला देख लीजिए जिससे कि आपके जितने भी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2। क्या होता है याद रखिएगा, यूरिया का फॉर्मूला ये होता है NH2CONH2 होता है। तो याद रखिए कि ये जो NH2 बॉन्ड है दोनों साइड लगे हुए हैं, तो ये क्या होता है, एमाइड होता है, और इसी के रूप में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा यूरिया क्या होता है, एक कार्बनिक उर्वरक होता है, मतलब इसमें कार्बन भी पाया जाता है। आप देख सकते हो कि CO ऑक्सीजन क्या होती है, याद रखिएगा ये जब ये रिएक्शन करता है तो निकल जाती है, लेकिन जो कार्बन होता है वो उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, मतलब क्या होता है याद रखिएगा, कार्बन उर्वरक होता है यूरिया। यूरिया क्या होता है, कार्बनिक उर्वरक होता है, और इसमें नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, ये होता है एमाइड रूप में होता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसके साथ साथ याद रखिए इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिए ये होता है 46%। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, तो वो होता है 82%, और वो किसमें पाया जाता है, याद रखिएगा एनहाइड्रस अमोनिया में। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, तो वो होता है एनहाइड्रस अमोनिया में, और वो कितना होता है, 82% होता है, ठीक है याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस पीएच मान पर फास्फोरस की उपलब्धता मृदा में सर्वाधिक होती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया सर्वाधिक अवेलेबिलिटी आपसे पूछी है किसकी, फास्फोरस की, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, या फिर आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो कि कौन से पीएच मान पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5.5, 6.5, 7.2, 8.5। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा जो फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी होती है ये किस पीएच पर सर्वाधिक होती है, तो ये होती है 6.5 पर होती है। किस पर होती है, 6.5 पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि गन्ने में बंची टॉप किसके कारण होता है। आपने देखा होगा कि जो बंची टॉप डिजीज होती है एक मेजर प्रॉब्लम होती है गन्ने की, लेकिन ये किसके कारण होती है, इसका कारण क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि जड़ छेदक, तना छेदक, पर्ण छेदक, या फिर शीर्ष तना छेदक। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है बंजी टॉप जो कि इसका कारण क्या होता है, इसका कोज क्या होता है, तो ये होता है टॉप सूट बोरर होता है। क्या होता है, टॉप सूट बोरर होता है, शीर्ष तना छेदक होता है, और इसी के कारण क्या होता है गन्ने में, ये हो जाता है बंजी टॉप डिजीज हो जाती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि गन्ने की एक मेजर प्रॉब्लम होती है, और वो कौन सी होती है, वो होती है याद रखिएगा रेड रोट होती है। कौन सी होती है, रेड रोट होती है, और ये रेड रोट किसके कारण होती है, याद रखिए कि ये दोनों ही क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपसे पूछे गए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए गन्ने का प्रमुख रोग कौन सा होता है, तब आपको क्या बताना है, रेड रोट होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो रेड रोट जो डिजीज होती है गन्ने में, ये किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो ये होती है याद रखिएगा कोलेटोट्राइकम
फाल के टम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, याद रखिएगा, रेड रोट ये होती है कोलेटोट्राइकम फाल के टम के द्वारा होती है। अब ये कोलेटोट्राइकम फाल के टम होता क्या है, तो ये होता है एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों ही क्वेश्चन से यहाँ पर कवर किए गए हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी को आप एक साथ नोट कर सकते हो कि इसका मुख्य जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रेड रोट होता है। किसके कारण होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है। और ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। ठीक है, और इसकी पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेड रोट की आप पहचान कैसे करोगे। तो याद रखिएगा, जो गन्ने का जो होता है गन्ना, तो इस प्रकार क्या होता है, एक लाल धारी बन जाती है। क्या हो जाता है, याद रखिएगा, एक रेड स्ट्रिप बन जाती है, लाल धारी बन जाती है। और यही क्या है, मुख्य पहचान होती है रेड रोट डिजीज की। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जीवाणु जनित बीमारियों का नियंत्रण रसायनों में क्या सा है। याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जीवाणु जनित बीमारियों का नियंत्रण रसायनों से क्या सा है, वो कौन सी होती है, तो होती है यार एंटीबायोटिक्स होती है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पोटाश डालने से क्या होता है। ठीक है, मतलब पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधे की जल भराव के प्रति रोधिता बढ़ जाती है, पौधे की पाले के प्रति रोधिता बढ़ जाती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, पोटेशियम से। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप पोटेशियम की बात करते हो या फिर पोटास देते हो, तो इससे क्या होता है, याद रखिएगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, याद रखिएगा, किसी भी प्लांट की जिसमें आप फास्फोरस को, सॉरी, पोटास को अप्लाई कर रहे हो, तो पोटास का जो मुख्य फंक्शन होता है, मुख्य कार्य होता है, वो क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ठीक है, क्या होता है, यानी जो डिजीज रेजिस्टेंस, जो इम्यूनिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए अपनी होती है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ह्यूमन की क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, उसी प्रकार से प्लांट की अगर हम बात करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, पोटेशियम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, इसके साथ साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।